मशहूर जादूगर ओपी शर्मा का कानपुर में देर रात निधन हो गया। साउथ के बर्रा दो भूत बंगला निवासी 76 वर्षीय जादूगर ओम प्रकाश शर्मा उर्फ ओपी शर्मा गुर्दे की बीमारी से परेशान थे। वह कल्याणपुर स्थित एक नर्सिंग होम में एक सप्ताह से भर्ती थे। ओपी शर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े थे। उनके परिवार में पत्नी मीनाक्षी दिल्ली दूरदर्शन में कार्यरत हैं, बड़े बेटे प्रेम प्रकाश शर्मा, मछली बेटे सत्य प्रकाश शर्मा और प्रिंटिंग का काम करने वाले तीसरे बेटे पंकज प्रकाश शर्मा और संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रही सबसे छोटी बेटी रेणु शर्मा है। ओपी शर्मा के बेटे पंकज ने बताया कि 1 अप्रैल 1952 में मूल गांव बलिया में पिता का जन्म हुआ था। साल 1971 में इस्माइल आर्म्स फैक्ट्री में डिजाइनर के पद पर उनकी नौकरी लगी तो शहर में रहने आए। यहां आकर पहले शास्त्री नगर स्थित कॉलोनी में रहे, जिसके बाद उन्होंने बर्रा दो में घर बनवाया जो भूत बंगले के नाम से जाना जाता है। बेटे के मुताबिक पिता देश विदेश में 34,000 से अधिक शो कर चुके हैं। उनका पहला व्यावसायिक शो मुंबई में किया गया था। उनके परिश्रम प्रतिभा को देखते हुए इंडियन मैजिक मीडिया सर्कल ने उन्हें नेशनल मैजिक अवार्ड 2021 व शहनशाह जादू की महान उपाधि दी थी। जादूगर ओपी शर्मा ने 2018 से कोई शो नहीं किया। उसके बाद उनके मछले बेटे सत्य प्रकाश जूनियर ओपी शर्मा के रूप में शो कर रहे हैं। शनिवार को उनका मेरठ में शो चल रहा था। पिता के देहांत की जानकारी मिलने के बाद वह घर के लिए निकल पड़े। वहीं आज भैरव घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। करीब 2 सालों से बीमार चल रहे थे जब से कोरोना इनको हुआ था। उसके बाद से इनको किडनी की दिक्कत हो गई, किडनी डायलिसिस पे थी। 2 सालों से लगभग इनके हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहे थे, डायलिसिस कई चल रहे थे, लेकिन इधर 4-5 दिनों से काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो इनको ICU में एडमिट कराया गया है फॉर्चून हॉस्पिटल में। कल शाम को जो है 5 बजे बिल्कुल इनको मतलब वेंटिलेटर पर लिया गया और रात में 11 बजे डॉक्टरों ने इनको ब्लड घोषित किया। भारत देश को कितनी छवि भारत देश को क्या हमारे हिसाब से तो पूरे विश्व को क्षति पहुँची है, क्योंकि ओपी शर्मा जैसा जादूगर हमारे हिसाब से तो हिंदुस्तान के विश्व में नहीं कोई। जो इनके अंदर जादू का प्रति जो समर्पण था, जादू के प्रति जो जिज्ञासा थी, वो किसी में नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी तक कहीं सा ऐसा जादू किया जिससे ये विकास हो? ये तो चलते चलते कहीं पर भी हो, हम लोग तो इनके साथ कई बार सफर भी करे हैं, आ रहे हैं रास्ते में कहीं ढाबे बैठे, जहाँ पर बैठे वहीं जादू दिखाने लगाते। किसी को भी जरा बच्चे थे, किसी ने कहा वहीं पर जादू दिखा।